नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा है कि पी इक्वल्स टू दिया है ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी। ए बी सी डी ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः दिया हुआ है आपको 1%, 3%, 4% तथा 2% है। पी में लिख लीजिए, पी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो ये क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पी इक्वल्स टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन रूट सी इंटू डी में ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 3%, 4%, 4% आप ले लीजिए तथा 2% है। पी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं। चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन को इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन को कराया हूँ। फिलहाल आप देखते हैं यहाँ पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं क्यू बी स्क्वायर अपॉन रूट सी। तो क्या हम सी को 1/2 लिख सकते हैं, रूट डी। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, ए क्यू बी स्क्वायर सी के पावर माइनस हाफ इंटू क्या होगा, डी के पावर माइनस वन। तो इस तरीके से आपको पता है कि पी बराबर क्या हो गया, ए क्यू बी स्क्वायर सी के पावर माइनस हाफ और डी के पावर क्या हो गया, माइनस वन हो गया। अब इसको कह रहा है कि इसको प्रतिशत त्रुटि में क्या कीजिए दोस्तों, कन्वर्ट कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए फॉर्मूला का क्या यूज़ किया जाता है, क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या होगा, 100। अब दो पावर दोस्तों कहाँ आएगा, आगे, सॉरी तीन पावर आएगा, क्योंकि ए टू द पावर क्या है, 3 है। तो अगर ए टू द पावर 3 है तो 3 पावर कहाँ आएगा, आगे। अब ये होगा प्लस, दो पावर कहाँ आएगा, आगे, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या होगा, 100। और माइनस क्या होगा, हाफ, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू क्या हो गया, 100। और ये माइनस वन कहाँ आएगा, आगे, माइनस वन, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या हो गया, 100। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, पी की वैल्यू को, पी में हम परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसी प्रोसेस से क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चूँकि क्वेश्चन में कहा है पी इक्वल्स टू इतना दिया है, ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटि क्रम से 1%, 3%, 4% तथा 2% है। पी में अधिकतम प्रतिशत, यहाँ पर केस कहा है क्या जी, मैक्सिमम। अगर ये बोलता कि सिर्फ प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए तो आप यहीं छोड़ देते, वैल्यू रख के निकाल देते, लेकिन यहाँ पर बोला है मैक्स। तो जब भी बोलेगा मैक्स का केस, तो मैक्स तभी होगा, लेफ्ट का केस मैक्सिमम तभी होगा जब राइट वाला मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम तब होगा जब माइनस किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे लिखेंगे फॉर मैक्स। चलिए मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ। अब लिखेंगे फॉर मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू क्या हो गया, 100। यहाँ पर आप लिख ले दोस्तों मैक्स, यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 3, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या होगा, 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या हो गया, 100 प्लस हाफ, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू क्या हो गया, 100 प्लस 1, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या हो गया दोस्तों, 100। इस तरीके से जितने भी माइनस है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे, इसको मिटाते हैं। अब ये बताइए ए में कितने परसेंट की त्रुटि है, 1%, तो 3 गुणे 1। बी में कितने की है, 3%,
सी में कितने की त्रुटि है 4% और डी में कितने की त्रुटि है 2%। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये हो गया 3%, ये हो गया 6%, ये हो गया 2% और ये हो गया 2%। तो अब देखिए 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13 तो कुल मिला के कितने परसेंट की त्रुटि हो गई दोस्तों, 13% ही त्रुटि हो गई, यानी डेल्टा पी अपन पी इंटू क्या हो गया 100 मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पी में मैक्सिमम जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 13% की मैक्सिमम त्रुटि होगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये सवाल जो होता है बड़ा जाता है लेकिन काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले हम त्रुटि निकालते हैं, मैक्स का केस देखते हैं, जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वैल्यू रख के क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगला सवाल लेता हूँ। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन होता है। एक घन के आयतन में, एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में, उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चूंकि हमें लिखना होगा घन का आयतन, घन का आयतन, ये बताइए दोस्तों घन का आयतन को भी से, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, यानी भुजा को हमने ए माना। अब इसमें हम त्रुटि निकालेंगे, चूंकि डेल्टा भी अपन भी इंटू क्या होगा 100, 3 पावर कहाँ आएगा दोस्तों आगे, डेल्टा ए अपन ए इंटू क्या होगा 100। चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि है 9% बराबर 3, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या होगा 100, अब 3 से कटेगा तो क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ गया 3% आ गया। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3% आ गई। अब कहा है कि उसके संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे चूँकि घन का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 6a² होता है, ये बताइए क्या संख्या में त्रुटि हो सकती है, नहीं। तो संख्या में कभी भी त्रुटि नहीं होती है, इसलिए हम इस 6 को क्या करेंगे हटा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, डेल्टा s अपॉन s इंटू क्या होगा 100, अब 6 तो गायब हो गया क्योंकि इसमें त्रुटि तो पाई नहीं जाएगी, त्रुटि होगी a में, तो 2 होगा पावर आएगा, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू क्या हो गया 100 हो गया, 2 गुणे कितना डेल्टा a और इंटू a में कितने परसेंट की त्रुटि है 3% की। तो इस तरीके से कितने परसेंट की त्रुटि होगी 6% की। तो देख सकते हैं दोस्तों घन की संपूर्ण पृष्ठ में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, 6% की त्रुटि होगी। तो इसी टाइप के क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से हम लोग बीमा ये त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसे, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लिखेंगे एक बेलन की ऊंचाई में, ऊंचाई तथा
त्रिज्या में क्रमशः 1% व 2% की त्रुटि हो तब बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैं नीचे अब मिटा दे रहा हूँ। चूंकि बेलन का आयतन भी इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए त्रुटि किस में होती है, सिर्फ इन भौतिक राशियों में होगी, पाई में तो होगा नहीं, क्योंकि पाई एक क्या है संख्या, और संख्या क्या होती है कांस्टेंट होती है, संख्याओं में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। तो डेल्टा वी अपन वी इंटू क्या होगा 100 इक्वल्स टू पाई को छोड़ देंगे 2 पावर आएगा आगे, डेल्टा आर अपन आर इंटू क्या होगा दोस्तों 100 प्लस, अब ये जो होगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू क्या होगा 100 होगा। तो इस तरीके से 2 गुणे क्या होगा डेल्टा आर। त्रिज्या में त्रुटि कितने की है दोस्तों 2% की, और हाइट में कितने की है 1% की, तो 4% और प्लस 1% कितना हो गया 5%, तो ये त्रुटि हो गई। तो डेल्टा भी अपन भी इंटू 100 में कितने परसेंट की त्रुटि हुई 5% की त्रुटि हुई। तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।